हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड चैलेंजेस। सो गाइस, आज मैं करने वाली हूँ 24 आवर्स फ्रोजन फूड ईटिंग चैलेंज। सो जितने भी फ्रोजन फूड्स हैं, मैंने एक ही ब्रांड सेलेक्ट किया है, उसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो खाने वाली हूँ। एंड आज मैंने सेलेक्ट की है मकेन्स की, जितनी भी वेराइटीज़ हैं वो मैं खाने वाली हूँ, जितनी मुझे मिल पाई हैं। एक दो हैं कि मुझे पसंद नहीं है और एक दो मुझे मिली भी नहीं है। सो करते हैं अपना चैलेंज स्टार्ट। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मेक श्योर टू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, आज मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया है। सो मैंने थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड चेंज किया है, ये थोड़ा सा क्योंकि चैलेंज अलग है तो बैकग्राउंड भी थोड़ा सा अलग होना चाहिए। सो अभी मैं करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट। मैंने अपना बाथ वगैरह ले लिया है एंड गुड गर्ल बन गई हूँ मैं। सो अभी मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट अपना, एंड ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है मकेन्स में चिली गार्लिक पोटैटो बाइट्स एंड पोटैटो शॉर्ट्स, चीज शॉर्ट्स लिए हैं मैंने। ये दोनों मैं खाने वाली हूँ। तो मैंने फ्राई करके रख लिए हैं, आपको क्लिप मिल जाएगी जैसे भी मैंने बनाए हैं। एंड ये है हमारे आज के मेरा ब्रेकफास्ट, यम्मी यम्मी। सो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे है, इसमें वेजीज क्या क्या हैं और सब कुछ। सो अभी जो मैं ओपन कर रही हूँ वो है चीज़ शॉर्ट्स जो हैं, पोटैटो चीज़ शॉर्ट्स। सो आप देख सकते हैं इसमें पोटैटो की फिलिंग है एंड यार इसमें चीज भी है। वाओ, नाउ अब मैं देखती हूँ जो चिली गार्लिक वाला है, तो इसमें जो नाम से ही पता चल रहा है, इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पोटैटो है, गार्लिक है, चिलीज है, या पोटैटो के साथ चिलीज एंड गार्लिक दिया गया है। इसकी जो फिलिंग है, इसका क्रस्ट बहुत अच्छा है, आउटर क्रस्ट जो है एंड अंदर प्रॉपरली पोटैटो फिल है। इसको ट्राई करके देखते हैं। ये मैं खा लेती हूँ, फिनिश करती हूँ, फिर मैं आपके साथ इसका रिव्यू भी थोड़ा सा दे दूंगी। सो गाइज, मैं अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ, फिनिश नहीं किया है मैंने, क्योंकि वो जो चीज़ वाला जो स्नैक्स थे ना, चीज़ वाले, वो प्रॉपरली मेल्ट नहीं हो पाए, तो इसको मैं माइक्रोवेव करके खा लूँगी। अभी मैंने दो टेस्ट किए थे, टेस्ट एंड फ्लेवर सब दोनों का ही अच्छा है, बट अगर चीज़ वाले की बात करें, प्रॉपरली अगर मेल्ट नहीं होती है ना चीज़, तो फिर बेकार है, कोई मज़ा नहीं है। अगर प्रॉपरली आपकी चीज़ मेल्ट हो जाती है तो वाओ, बहुत ही ज़्यादा सही लगने वाला है। फिलिंग इसमें पोटैटो है, चीज़ है एंड हर्ब्स डाले गए हैं इसमें, ग्रीन हर्ब्स हैं कुछ ये चीज़ वाले में। एंड सेकेंड जो है ना, वो जो सेकेंड था मैंने एक छोड़ दिया था, इसमें गार्लिक और पोटैटो है, गार्लिक है और क्या इसमें चिलीज हैं। उसका फ्लेवर बहुत बेसिक वाला, ये जो है स्नैक्स है, इसको हर कोई खा सकता है जिसको चीज़ नहीं पसंद है। मुझे पर्सनली गार्लिक बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मेरा चाइनीज़ फेवरेट है, तो मुझे ये बहुत सही लगा है, यही इससे ही मैंने अपना पेट भरा है।
सो गाइज दिस इज़ माई लंच टाइम और लंच टाइम में मैं खा रही हूँ मकेन्स की ये वेज बर्गर पैटी। सो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरीके से आती है एंड जो फ्रोज़न वाली है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये फ्रोज़न वाली ऐसे होती है प्रॉपरली ऐसे ब्रेड क्रम्स में। देन मैंने इसको फ्राई कर लिया है डीप फ्राई और डीप फ्राई होने के बाद ये ऐसे हो गई है। तो सारा जो मटेरियल है वो रेडी है मेरे पास बर्गर बनाने के लिए। तो मैं फटाफट से अपना बर्गर बनाती हूँ देन आपके साथ आपके सामने आती हूँ मैं फिर। सो मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है, मेयोनीज़ वगैरह सब कुछ रेडी है मेरे पास। सो गाइज़ यहाँ पे मेरा बर्गर बन के रेडी हो चुका है। सो मैं इसको खाने जा रही हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसी बनी है ये एग्जैक्टली। मैं अपना एक बर्गर फिनिश कर चुकी हूँ एंड आई मस्ट से डेफिनेटली ट्राई दिस वन, क्योंकि ये प्रॉपर बर्गर का ही टेस्ट आया। मैंने इसमें मेयोनीज़ वगैरह सब कुछ ऐड किया था, ऊपर से थोड़ा चाट मसाला स्प्रिंकल किया, थोड़ी सी केचप लगाई, टमेटोज़ अनियन की फिलिंग करी थी एंड मैंने जो अपने बंस है ना इसको भी बटर में थोड़ा सा सेक लिया था। तो मैं आपको मेन टिक्की का वो दिखाती हूँ फिलिंग कैसी है। बहुत सही है, काफ़ी ज़्यादा क्रस्ट है इसमें, बहुत अच्छा लगता है जब टिक्की का बीच में क्रस्ट आता है ना। इसमें फिलिंग है पोटैटो की, पीज़ है एंड कैरेट्स इसमें थी, काफ़ी अच्छा फ्लेवर था इसका, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स हैं। सबको ना काफ़ी अच्छे से मैरिनेट करके काफ़ी अच्छा फ्लेवर दिया गया है इसका, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने खुद से बर्गर बना के खाया, काफ़ी अच्छा टेस्ट आ गया था इसमें। सो डेफिनेटली ट्राई दिस वन। सो मिलती हूँ मैं आपसे अब अपने स्नैक टाइम में। सो गाइज दिस इज़ माय स्नैक्स टाइम और मैं थोड़ी देर सो गई थी सो अभी ना बोलने का मन नहीं कर रहा ज़्यादा। तो अभी मैं दिखा देती हूँ मैं क्या खा रही हूँ, बहुत तेज भूख लग रही है। मैं खा रही हूँ मकेन्स में मिनी समोसा एंड दिस इज़ चीज़ी पिज़्ज़ा एंड दिस इज़ चीज़ी कॉर्न वाले, मतलब ये पिज़्ज़ा समोसा है और ये चीज़ी कॉर्न समोसा है। तो इन दोनों को अभी टेस्ट करके देखते हैं कि कैसे हैं। मैंने एक पहले भी किया हुआ है चीज़ी कॉर्न वाला मैंने किया हुआ है। तो ये रहे मेरे समोसे डिफरेंट डिफरेंट, इधर जो है वो शायद चीज़ वाले हैं और इधर पिज़्ज़ा वाले, अभी पता चल जाएगा खाऊँगी तो। सो स्नैक्स टाइम में मैं खा रही हूँ समोसा, छोटे छोटे समोसे हैं ये पॉकेट साइज़, और मैं इसको केचप के साथ खा रही हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ केचप है, तोड़ के देखते हैं। नहीं यार ऐसे ही खाएंगे, दिस इज़ पिज़्ज़ा समोसा। ये ना पिज़्ज़ा ना लग के मैकपफ की तरह ज़्यादा लग रहा है इसकी स्टफिंग जो है।
सो गाइज, ये जो मकिन्स का मिनी समोसा है विथ चीज़ कॉर्न फिलिंग्स, इसमें जो फ्लेवर आता है ना वो बहुत ही अच्छा सा, बहुत सिंपल सा, बहुत लाइट सा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। इसमें चीज़ एंड कॉर्न है और थोड़े से हर्ब्स हैं जो मिक्स हैं, इसको बच्चे भी आराम से खा सकते हैं। बट जो पिज़्ज़ा वाला समोसा था जिसमें फुल वेजीज हैं, स्टफिंग्स हैं अनियन वगैरह की, हर चीज़ की, इसमें भी अनियन की थोड़ी बहुत फिलिंग्स थी बट इसमें स्पाइसी नहीं था। जो चीज़ कॉर्न वाला, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं था। बट ये जो पिज़्ज़ा वाली फिलिंग है, आपको सेम, ऑलमोस्ट सेम ऐसा लगता है कि आप मैकपफ खा रहे हैं, मैकडी का मैकपफ खा रहे हैं। अच्छा खासा इसका टेस्ट है, बड़े लोग खा सकते हैं। सो मेरे लिए अच्छा है ये, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बहुत लोगों ने खाया भी होगा। डिनर के लिए आई हैव टू ऑप्शंस, वन इज़ वेजी फिंगर्स एंड सेकंड वन इज़ आलू टिक्की। तो अभी देखते हैं, डिसाइड करते हैं मैं क्या खाऊंगी। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाना है बट दोनों ही हैवी हो जाएंगे। तो मेरा मन है वेजी फिंगर्स खाने का, ये मैंने ट्राई नहीं किया। आलू टिक्की मैं खा चुकी हूँ एक बार, तो मैं वेजी फिंगर्स फ्राई करके फटाफट से आपके सामने लाती हूँ। गाइस, मेरे वेजी फिंगर्स रेडी हैं डीप फ्राई होकर। सो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इसमें थोड़ी सी मेयोनीज लगाई है, थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया है कि अच्छा सा फ्लेवर आ सके। सो मैं आपको पहले इसकी स्टफिंग दिखाती हूँ, ऊपर से क्रस्ट तो इनका अच्छा होता ही है। ओके, वाह, वेजीज हैं, पीज हैं इसमें, कैरेट्स हैं एंड वही इनका जो मेन इंग्रेडिएंट है पोटैटो। कैन सी, टेस्ट करके देखते हैं। नाइस। सो गाइस, आज का चैलेंज होता है हमारा यहीं पर ख़त्म। बट अगर मैं बात करूं कि आपको क्या ट्राई करना चाहिए, तो मुझे जो सबसे बेस्ट लगा है वो है बर्गर, जो आलू टिक्की थी ना, वेजी वाली टिक्की बर्गर की, वो सबसे ज़्यादा सही थी। डू ट्राई दिस वन। तो मैंने जो आज खाया है वो सभी ओजस ने भी ट्राई किया है, तो ओजस आके ज़रा बताओ आपको क्या अच्छा लगा। गाइस, आज के इस 24 आवर्स रेंज में मेरे को पिज़्ज़ा समोसा सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा, उसके अंदर की फिलिंग और वेजीज बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। इसको वेजीज वाला अच्छा लगा, अच्छा था उसका भी फ्लेवर, बट मुझे जो बर्गर वाला लगा ना, प्रॉपर अगर आप बर्गर उसको बनाएंगे ना तरीके से, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप बाहर से बना हुआ खा रहे हैं, नहीं लगा। मैंने बना के खिलाया था, अच्छा था, वो भी टेस्टी था, वो भी अच्छा था, बट इसको ज्यादा बेस्ट जो लगा वो था पिज्जा समोसा। ये था मेरा आज का 24 आवर्स फ्रोजन फूड ईटिंग चैलेंज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस चैलेंज। सो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।